बोलो परमेश्वर ये तेरा जीवित कलाम है, जो कुछ ये लिखा मैं ओही बनूंगा और मैं विश्वास करदा हर वरी जो जदों तेरा वचन पढ़ रहा जा सुन रहा मैं बनता जा रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम च मंगते हाँ, मेरे ना खोलेंगे नवा नियम लुका दी इंजील नवा नियम वड्डी बाइबल का 87 पेज आ 87 लुका दी इंजील यीशु मसीह की परीक्षा मैं पढ़ांगा जब जिन्हों किसी मिल गया जल्दी जल्दी पढ़े। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल से फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। और जब शैतान उसे ले गया और उसके फल उसको फल बल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास ले चला गया। सब बोलो आमीन। मैं तनु आउंदिया प्रार्थना ककराई कि आज मेरे ते अनुग्रह कर परमेश्वर, आज मेनू बुद्धि दे ताकि मैं अपनी परीक्षा पास कर सकूं। मैं तुहाडे को एक क्वेश्चन पूछना चाहुंदा, किन्ने जणिआं ने यह वचन पहला सुनिया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा, उच्चा उच्चा। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहुंदा, शैतान ने तीन वारी ही क्यों गल की? चार वारी क्यों की गल की? दो वारी क्यों नहीं गल की? कोई दस सकता? कहो परमेश्वर आज का वचन मैं समझ आए और पवित्र आत्मा मेरी मदद करना और मैं समझ के इसके अनुसार चलना और दूसरों को भी शेयर करा। तीन गल्लां सिर्फ कीतियां शैतान ने, चले गया। उस तो बाद पता क्यों? यीशु मसीह की परीक्षा हो चुकी है, ताड़ी बाकी है, हुण बचना तुसी आ, यीशु मसीह ने नहीं। और ये तुसी यीशु मसीह के मगर चल रहे हैं तो ताड़ी भी परीक्षा होगी। तो जे तुहानू पता होगा कि शैतान परीक्षा किदा करदा, ओदियां चालां तो तुसी समझ ओदियां चालां नूं समझदे होंगे। मैं क्या फिर पास आऊंगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च? जे तुहानू पता ही नहीं यीशु मसीह दी परीक्षा तुसी पढ़ ली, यीशु मसीह दी परीक्षा पढ़ ली और इह तां प्रभु दी तां होगी, हुण तां तुहाडी वारी आ, तुसीं कितां पास करनी है। मेन चीज इह आ, अज दा वचन रिकॉर्ड करके शॉर्ट विच जरूर शेयर कीता जाए और समझदार लोगों नूं समझ आएगी।
शैतान ने सिर्फ तीन गल्लां यीशु मसीह ने कीतियां, उस तो बाद चलिया गया, उन्हें अपनी हार मान ली भी बस। पहली गल उन्हें की कीती, 40 दिनों के बाद रोजा रखने तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने भुख लगी और शैतान ने आके कहा, जे तू परमेश्वर का पुत्र है इन्हों पत्थरों कह के रोटी बन जाए। यीशु मसीह कह देंगे दे बन जा बनिया कि नहीं बनिया सी, हमेशा शैतान तुहानू टोटली नाश करना चाहता। यीशु मसीह दे उन्हें तीन चीजों के अटैक किया, एक इंसान देह प्राणा आत्मा का बनिया, सोल स्पिरिट बॉडी, आज का पूरा इंसान तुसी भी हाँ, तुसी देह प्राण आत्मा है। शैतान तुहानू तिना चीजों से गिराना चाहता, हमेशा ताड़ी तिना चीजों के अटैक करूगा, फिर तुसी पूरी तरह वे काबू चाहोगे। किसी ने मैं सवाल किया कहिंदे पवित्र आत्मा भी अंदर है कई बारी तो दुष्ट आत्मा भी, मैं क्या हो सकता, मैं क्या दुष्ट आत्मा का अटैक ताड़ी बॉडी से हो सकता और तुसी पवित्र आत्मा भी हो सकता, क्योंकि तुसी तीन चीजों के बने हो, देह दे प्राण दे आत्मा दे। जब तक ताड़ी कोई चीज सुरक्षित है, जिहड़ा तौबा कर लैंदा बपतिस्मा लै लैंदा उहदे आत्मा का उद्धार हो चुका, और हमेशा शैतान अज विश्वासियों के पिछे आ, पास्टरां के पिछे आ, उन्हां दी आत्मा नूं खराब करन लई, उन्हां दी आत्मा नूं खराब करन लई। यीशु मसीह नूं तीन गल्लां नहीं उन्हें कीतियां सी, तीन अटैक कीते सी। पहला अटैक उन्हें उहदे शरीर ते कीता, शरीर की कमी दिखाई, जिहड़ी शरीर की कमी आ भुख, कि इह अपने शरीर तो हारदा कि नहीं हारदा। यीशु मसीह ने कहा, शैतान इंसान निरा रोटी ना नहीं जींदा, कि वह इंसान निरा रोटी ना नहीं जींदा, बल्कि परमेश्वर के मूँह चो निकल वाले शब्द ना जींदा, कि मेरी भुख मैनू हरा नहीं सकती, कि तू मैनू शरीर दियां गल्लां दिखा रहा। और यीशु मसीह ने जद वचन चो जवाब दिता, शरीर के अटैक तो मुक्त होए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम विच। दूजा क्वेश्चन उन्हें उहदे प्राण ते कीता सी, प्राण कहिंदे जिहड़े विचार लालच दिता सी, उन्हें सारी सृष्टि जिहड़ियां राज ही दुनिया दे दिखाए, उहदे अंदर उहदे विचारां ते अटैक कीता, किहदे अंदर लालच आए। प्राण की आ विचार जिहड़े तुहाडे और मेरे अंदर चलदे। दूजा अटैक उहने प्राण ते कीता, कि इहदे अंदर विचार पैदा होए लालच दे, और यीशु मसीह ने वह भी उन्होंने जवाब दिता। यीशु मसीह ने इनडायरेक्ट वे च उन्होंने कहा, कहिंदा शैतान ये सब कुछ मैनू मिलना है पर मैं ऐदां नहीं लेना, तेरा मैं तमाशा बना के खुद तेरे को लाऊंगा। यीशु मसीह ने सामर्थ नाम विच बाइबल लिखा, यीशु मसीह ने उन्होंने जवाब दिता कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर नूं सजदा कर। दूजा अटैक उहदा उहदे प्राण ते सी, उहदे विचारां ते, उहदे अंदर लालच पैदा करना इन्हां चीज़ां दे प्रति। परमेश्वर यीशु मसीह दे अंदर लालच नहीं पैदा होया, और प्रभु यीशु मसीह ने वचन दे नाल उहनूं जवाब दिता, क्योंकि वचन कर रहा सी, वचन नाल कट रहे प्रभु यीशु मसीह कट रहे सी। हर चीज जिहड़ी चीज की बनी होंदी उहदे नाल कट्टिया जांदा, लोहे नूं लोहा कटदा, जहर नूं जहर कटदा। यीशु मसीह ना वचन ना गल कर रहा सी, प्रभु यीशु मसीह ने वचन ना ही उहदा जवाब दिता। तीसरा अटैक शैतान ने जदों यीशु मसीह देह तो बच गए, प्राण तो बच गए, आत्मा दे कीता, आत्मा दे कीता, क्योंकि आत्मा का बपतिस्मा हो चुका सी। आत्मा च की सी वचन, जो हर वारी जो मैं तुहानू कहना एक प्राण ना करो, वचन मेरे आत्मा च बीजा जाए, आत्मा दे अटैक कीता कि हुण ये वचन च स्ट्रोंग आ, ये देह तो भी बच गया, प्राण तो भी बच गया, हुण मैं अटैक दी आत्मा ते करूंगा, वचन च शक पैदा करूंगा। कहिंदा तेरे विषय च लिखिया कि अपने आप नूं थले सिट दे, तेरे स्वर्गदूत आउणगे, चेक कर के वचन मेरे ते पूरा हुंदा कि नहीं हुंदा।
और बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहना, ये भी कहा गया कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जो तुम्हारी प्रार्थनावां का आंसर नहीं आता, तुम चर्च जा रहे हो, रोजे रख रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, हर काम कर रहे हो, ताड़ी आत्म ताड़े हार्ट विच वड़ के शैतान गल करदा, तू तो हुण रोजे भी रख रहा, सब कुछ कर गया, पास्टर प्रचार भी करदा, तुसी अमीर होण जा रहे हो, ताड़ा काम कार चलन जा रहा, अज तुसी आ होण जा रहे हो, पर होया तो है नहीं। यीशु मसीह ने तुहानू और मैनू तरीका दस्या कि जिहड़ा विचार ताड़े हार्ट विच इदां दा आए उहनू वचन दे नाल कट कटो। जदों तुसी वचन दे नाल कटोगे सारियां परीक्षावां पास करोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम विच। मैं क्या उस तो बाद शैतान दा तमाशा बनाओगे यीशु मसीह दे नाम विच। अज भी टारगेट आ शैतान दा, ताड़ी देह, ताड़ा प्राण, ताड़ी आत्मा। हमेशा एक विश्वासी दे के पहला देह दीआं चीज़ां लैके आउंदा कि इहनू मैं शरीर तो कढ़ा। देह दीआं चीज़ां की आ, बाइबल च लिखा गलातियां च, ईरखा, वैर, विरोध, डाह, अहंकार, जादू टूना, मूर्ति पूजा, व्यभिचारी, लकी डप्पे, कड़पन, जीविका दा घमंड, अखां दी भलाशा, शक, संदेह, अविश्वास, सब कुछ देह च आ। तुहानू इत्थे फसाऊगा, ताड़ियां लोड़ां, ताड़ा रोटी, कपड़ा, मकान, सारियां देह नाल जुड़ियां चीज़ां। पहला अटैक ताड़ी देह ते करेगा, ताड़ियां लोड़ां ते, ताड़ी रोटी ते, ताड़े कपड़े ते, ताड़ियां जरूरतां ते। ते फिर जदों तुसीं वचन दे नाल उहनूं जित लूंगे भी कोई गल नहीं, रोटी मिलेगी ते नहीं मिलेगी तां वी तेरा थैंक्स। शैतान दा दूजा अटैक ताड़े प्राण ते होएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬੜੇ ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ।